मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल मैडली लैडर। और मैं हूँ सरोज, और आज मैं निकल गया हूँ मेरा विलेज हुड़ा से कोलकाता की तरफ। मैं जा रहा हूँ मेरा बड़ा भाई का बाइक लेके, R15 वर्जन 3। आप लोग तब तक मेरा विलेज का थोड़ा सा ड्रोन शॉट देख लीजिए, मैं रास्ते में बात करता हूँ। बांकुड़ा एंटर कर रहा हूँ मैं अभी। यहाँ से दिखा रहा है बिष्णुपुर राइट साइड में 34 किलोमीटर, और कोलकाता लेफ्ट साइड में 216। तो यहाँ से अगर आपको कोलकाता जाना है तो दो रोड मिलेगा, एक आप राइट साइड से बिष्णुपुर होके जा सकते हैं, और एक लेफ्ट साइड में जो दिखा रहा है दुर्गापुर साइड होके आप जा सकते हैं। तो दुर्गापुर साइड वाला जो रोड है वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, मतलब यहाँ से 216 के आसपास है और मैं 50 किलोमीटर अभी तय करके आया हूँ, तो 264 किलोमीटर। बट अगर आप बिष्णुपुर आरामबाग होके जाते हैं तो उसमें आपको सिर्फ 213 या 215 किलोमीटर पड़ेगा। लेकिन दुर्गापुर वाला जो रोड है वो बहुत अच्छा है, तो इसीलिए मैं दुर्गापुर वाला रोड से ही जा रहा हूँ। सुबह सुबह ज़्यादा धूप नहीं है, और रोड का दोनों साइड में पेड़ है, वो भी बड़ा बड़ा पेड़ है। थोड़ा बहुत कवर हो चुका है रोड पेड़ से, तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, और बाइक चलाने में तो बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ से अभी तक दुर्गापुर 30 किलोमीटर के आसपास है। ये पता नहीं क्या बेलबोनी,
इस जगह का नाम है बेलबुनिया, कुछ लिखा हुआ है बेलिया तोड़। मुझे शायद बेलिया तोड़ होके जाना है, एक बार गूगल में मैं चेक कर लूँगा, शायद बेलिया तोड़ होके ही जाना है। अरे 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 चचा क्या कर रहे हो, कितना धुआं उड़ा रहा है। तो मैं अभी पहुंचा हूँ बेलिया तोड़, और यहाँ से जो सीधा सीधा रोड जा रहा है वो जाएगा बर्धवान, लेकिन मैं इस रोड से जा रहा हूँ लेफ्ट लेके दुर्गापुर साइड होके जाऊँगा, क्योंकि इधर का रोड अच्छा है। मैं निकला था 6:45 को, अभी हो रहा है 8:15, और मैं तकरीबन 70 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ। अभी भी बहुत दूर जाना है भाई, आराम आराम से जाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। वेलकम टू दुर्गापुर टोल प्लाजा, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो अपन जाएंगे वीआईपी लेन से, क्योंकि अपन है वीआईपी। अरे साला तो चालू ही नहीं है, तो बहुत पुराना लग रहा है, बंद हो गया लग रहा है। तो ये है दुर्गापुर बैरेज, देखते हैं अगर यहाँ पर ड्रोन उड़ा सकते हैं तो एक ड्रोन शूट लेने का कोशिश करेंगे। ये दामोदर रिवर है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो स्क्रीन में सही रिवर का नाम लिख दूंगा। मेरे ख्याल से दामोदर है। हाँ, ब्रिज बहुत पतला है, इसके ऊपर रुकने का जगह ही नहीं है, वरना इसके ऊपर मैं रुकता। देखते हैं एंड में अगर रुकने का जगह होगा तो वहाँ से ड्रोन उड़ाएंगे। ये तो लेफ्ट साइड में है जाने का जगह, एक बार कोशिश तो कर ही सकते हैं। बैरेज पार करके मैं लेफ्ट साइड में तो आ गया, लेकिन यहाँ पर मुझे एक साइन बोर्ड दिखा जहाँ पर लिखा हुआ है कि बैरेज एरिया में नहाना और फोटो खींचना अलाउड नहीं है। तो मैं रिस्क नहीं लूँगा, पकड़ लेगा तो मेरा ड्रोन बैन कर देगा और रख लेगा, तो उससे अच्छा है कोई अच्छा जगह में जाके हम ड्रोन उड़ा लेंगे। तो फिलहाल एक्शन कैमरा से कुछ नज़ारा देखते हैं। अच्छा खासा जगह है, बहुत बड़ा बैरेज है। तो चलिए अब निकलते हैं। मैं इसी रूट से बस से आया करता था, क्योंकि दुर्गापुर में मेरा मामा का घर है, तो मैं वहीं पर आता था बस से, 3 घंटा के आसपास लगता था। और अभी मैं बाइक से आया तो कितना टाइम लगा, 1.5 घंटा। तो यहाँ से आसानसोल 48, मुचीपाड़ा 5, कोलकाता 178 राइट साइड में। तो यहाँ से मुझे अब राइट लेना होगा कोलकाता के लिए। अरे भाई कोई तो साइड दे दो, चलो इस साइड खाली है, निकल जाते हैं। रोड तो यहाँ का मतलब क्या बताए, आप खुद ही देख लीजिए। सर कोलकाता सीधा, थैंक यू। आप मोबाइल निकालो, गूगल चेक करो, उससे अच्छा ट्रैफिक पुलिस से पूछ लो। हाँ मैं पहुंच गया हूँ सीधा कोलकाता हाईवे, मतलब दुर्गापुर कोलकाता हाईवे, और ये तो जबरदस्त रोड है भाई। यहाँ से बर्धवान है 64 किलोमीटर। अब भूख भी लगा है भाई, नाश्ता तो करना होगा, तो ठीक है अब सीधा नाश्ता में मिलते हैं। मैं अभी वर्धमान घुसने वाला हूँ और मुझे बहुत ज़ोर का भूख लगा है, तो कहीं होटल देख के अब
नाश्ता करने के लिए रुकते हैं। मिल गया है मुझे होटल। रूबी है एक सोनार बांग्ला करके है, तो मैं सोनार बांग्ला में रुकना चाहूँगा। यस, इसमें रुकूँगा मैं अभी। दुटो डिमेर एक ऑमलेट और दुटो परोटा, प्लेन परोटा और एक चा। नाश्ता हो गया, दो पराठा, एक डबल ऑमलेट और एक चाय। टोटल पड़ा मुझे 90 रुपीज़। पराठा 25 करके, डबल अंडा 30 और चाय 10 रुपये। चलो, पेट भर गया। मैं अभी डानकुनी टोल प्लाजा पहुंच गया हूँ। किधर से जाना है भाई? इधर से ही जाना है क्या? हाँ, इधर तो ही जाना। डानकुनी टोल प्लाजा। तो डानकुनी के आसपास पहुंच गया हूँ अभी, ज़्यादा दूर अब नहीं है, जल्दी पहुंच गया। इधर का रोड बहुत अच्छा था तो थोड़ा पिकअप में ही आया। टाइम हो रहा है 11:20, 12 बजे तक लग रहा है मैं घुस जाऊँगा। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ मेरा एक दोस्त के पास, मतलब उससे साल भर से नहीं मिला हूँ मैं। तो बोला कि भाई दिवाली में आ जा, मतलब ठीक है, और इतना दिन के बाद इंटरस्टेट मतलब जर्नी अलाउ किया हम लोगों को कंपनी से। इतना दिन तक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था हम लोगों का, तो इसीलिए ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है तो निकल गया मैं। यहाँ तो फिलहाल रेड सिग्नल है, अब हो गया ग्रीन। अभी भी तो रेड, यहाँ ग्रीन हो गया। अब लग रहा है मैं कोलकाता पहुंच गया हूँ, क्योंकि ये जो टैक्सी है ये सिर्फ कोलकाता में ही दिखता है। अरे जाना किधर से? हाँ, सीधा सीधा ही जाना होगा। अब थोड़ा बहुत जाम मिलेगा, सह लेंगे थोड़ा सा। एक प्रॉब्लम लेकिन अभी भी है, और वो है कि बाइक में मेरा मोबाइल होल्डर नहीं है और जीपीएस मुझे देखना ही पड़ेगा, तो हर बार रुक रुक के देखना पड़ेगा हर मोड़ में। देखते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना होगा। सामने मोबाइल हट जाएगा कहीं ना कहीं पे, देखते हैं, अगर हट जाता है तो वहाँ रख के किसी तरह से पार कर लेंगे। अरे क्या हो गया? हुआ ये था कि एक जगह से मुझे लेफ्ट लेना था और मैं ठीक ही लेफ्ट ले रहा था, फिर भी एक बार सिक्योर होने के लिए पुलिस से पूछ लिया कि कोलकाता किधर है। शायद उसको कोलाघाट सुनाई दिया, वो मेरे को सीधा सीधा भेज दिया। अब आते साथ साइन बोर्ड जितना था सब में दिख रहा है या तो खड़गपुर या तो कोलाघाट, कोलकाता का नाम ही नहीं है। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ और मैं गूगल में चेक किया, देखा हाँ मैं गलत रास्ते पे आ गया हूँ, मतलब पुलिस वाले को कोलाघाट ही सुनाई दिया था। तो फिर अभी रिटर्न जा रहा हूँ मैं, पता नहीं कितना ज़्यादा दूर नहीं आया, 2-3 किलोमीटर आया था। वो इधर से है कोलकाता, यहीं पे पूछा था क्या बंदा को? पता नहीं, ठीक है जो भी है, मुझे कोलकाता दिखा दिया इधर में, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर जाके गूगल में चेक कर लूँगा, इसमें एक मोबाइल होल्डर लगाना होगा मेरे को। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी सामने जाके और प्रॉब्लम फेस करना होगा मुझे। तो ये है विवेकानंद सेतु,
विवेकानंद ब्रिज, वाह बहुत जबरदस्त है। अभी तो पहले दोस्त का रूम जाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ रुक नहीं रहा हूँ। ऐसे भी बाइक यहाँ खड़ा करेंगे तो शायद बहुत गाली पड़ेगा, फाइन भी लग सकता है, तो यहाँ मैं नहीं रुक रहा हूँ। और यहाँ से जो गंगा का नज़ारा दिखता है, मतलब क्या बताएं, जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त। यहाँ तो रुका हुआ है सबको, यहाँ है तो मैं भी थोड़ा रुक जाता हूँ। जब सबको ही रुका है तो थोड़ा सा तो रुक ही सकते हैं हम। छाव देख के रोकते हैं हाँ यहाँ पर। तो सीन यहाँ का कुछ ऐसा है, जो दूर में दिख रहा है वो है दक्षिणेश्वर काली मंदिर, द लेजेंड ऑफ काली। और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, यहाँ सामने में फेरी घाट है, यहाँ पर आप इधर से उस साइड में शायद बेलूड़ है, यस उस साइड में है। अच्छा नहीं नहीं इधर नीचे से, इस ब्रिज का नीचे से पार होके जाना होगा बेलूड़, इस साइड में है, इस साइड में पड़ेगा बेलूड़। तो ये है गंगा नदी, हवा बहुत तेज चल रहा है। भाई लोग कैसा लगा गंगा का नज़ारा? और ये विवेकानंद सेतु जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? तो विवेकानंद सेतु अभी ख़त्म होने वाला है, तो फाइनली लगता है मुझे कि मैं पहुंच गया हूँ। अब कौन सा वाला फ्लाइट है अभी पता नहीं, माँ कसम दक्षिणेश्वर से जो झेलाया हूँ मैं यही कहीं दिखा रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ। दक्षिणेश्वर से लगता है 50 बार देख चुका हूँ मैं मोबाइल, मतलब मोबाइल को कैसे रखा हूँ मैं, देखो किसी भी वक्त गिर सकता है। ओह इधर ही कहीं होगा। अब फिर अगर घूमने बोलेगा तो मैं बोलूँगा भाई तू आ जा, ये उसी का बाइक लग रहा है। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं दोस्त का फ्लैट में। प्रॉब्लम शुरू हुआ था दक्षिणेश्वर से, दक्षिणेश्वर से यहां तक आने के लिए तकरीबन 1 घंटा लगा मुझे, वरना और जल्दी पहुंच जाता। एक्चुअली प्रॉब्लम यही हो रहा था कि मोबाइल में मेरा बाइक में मोबाइल होल्डर नहीं था, तो जिसके चलते मैं GPS देख नहीं पा रहा था, रोड पता नहीं चल रहा था। कलकत्ता जैसा जगह में अगर आप बिना बाइक में मोबाइल होल्डर लगाए घूम रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको सब कुछ पता है तभी कर सकते हैं, मेरे को तो कुछ नहीं पता तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था। और ये है मेरा दोस्त सुदीप, ठीक है? ये भी मेरा गांव का ही है लड़का, यहाँ सेटल हो गया, ये उसी का फ्लैट है, ठीक है? बहुत ज़बरदस्त जगह पर है। ये कौन सा जगह है? सोदपुर में हूँ मैं अभी। तो आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, जरूर करना, कर देना, बाय।